आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक फ्राई मसाला की बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी लेकर। इसे हम कुछ बेसिक मसालों से बनाकर तैयार करेंगे और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक फ्राई मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 7 उबला हुआ अंडा लिया है। अंडे को उबालकर अच्छी तरह से छील लेना है और इसके बाद इस तरह से अंडे को 2 भागों में कट कर लेंगे। यहाँ पे अंडा आप अपने जरूरत के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सभी अंडे को इसी तरह से हमें कट कर लेना है। सभी अंडे को कट कर लेने के बाद अब इसे लेकर गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देना है और जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच के बराबर मस्टर्ड ऑयल और साथ में ही इसमें 1 बड़ी चम्मच बटर डालेंगे। इसे मेल्ट हो जाने देंगे। जब बटर अच्छी तरह से पिघल जाएगा और तेल बटर दोनों गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच चिल्ली रेड मिर्च पाउडर। इन सभी को तेल में अच्छी तरह से मिला लेना है और इसके बाद एक एक करके अंडा के पीसेस को डालेंगे। जो पीला वाला भाग है उसे नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से जितना आ सके उतना अंडे के पीसेस को कढ़ाई में रखेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएगा तो एक एक करके सभी अंडे के पीसेस को पलट लेना है और पलटने के बाद दूसरे साइड से भी इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर देखिए अंडा दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो अब एक एक करके सभी अंडे के पीसेस को बाहर एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से बचे हुए अंडे के पीसेस को यहाँ पे हमें फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर देखिए सभी अंडा फ्राई हो गया है। तो अब इसे साइड में रखेंगे और सेम कढ़ाई में डालेंगे 1 से 2 चम्मच के बराबर तेल। तेल आप अपने जरूरत के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तेल डालने के बाद इसे गर्म कर लेना है और जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 4 सूखा हुआ रेड मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, 2 छोटी इलायची, 2 तेज पत्ता डालेंगे। सभी को अच्छी तरह से मिला लेना है और जब खड़ा मसाला चटक जाएगा तो इसमें 10 से 12 करी पत्ता डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। करी पत्ता का फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया आता है तो ज़रूर डालें। जब सारा चीज़ अच्छी तरह से चटक जाएगा तो इसमें बारीक कटा हुआ 4 मीडियम साइज के प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिला लेना है और मिला लेने के बाद इसमें अब डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार रखें। तो प्याज को भूनते वक्त ही इसमें नमक डाल दें, इससे ना प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। सभी को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है। बीच बीच में ढक्कन हटाकर चलाते रहेंगे। यहाँ पे प्याज को भूनते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गया है और देखिए यहाँ पे प्याज सॉफ्ट हो गया है। तो अच्छी तरह से सभी को मिला लेना है और मिला लेने के बाद इसमें डालेंगे कुछ ड्राई मसाला। तो मसाले में हमें चाहिए 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चिल्ली रेड मिर्च पाउडर, 1 चम्मच इसमें डालेंगे चिकन मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच इसमें डालेंगे जीरा मरीच का पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और साथ में इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट डालना है। यहाँ पे आप टमाटर को बारीक काट कर भी ले सकते हैं। साथ में थोड़ा सा पानी डालकर सभी मसाले को अच्छी तरह से मिला लेना है और मिला लेने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक मसाले को भून लेंगे। तो भूनते वक्त बीच बीच में चलाते रहना है ताकि मसाला पैन में चिपके ना।
यहाँ पे सभी मसाले को भूनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गया है और देखिए यहाँ पे मसाला भुनने लगा है। तो अब इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच के बराबर दूध का मलाई। यहाँ पे मलाई की जगह आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाई डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे और इस वक्त गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे सभी को हमें 7 से 8 मिनट तक भूनना है, या इसे आप तब तक भूनें जब तक कि मसाले में से तेल सेपरेट ना हो जाए। तो भूनते वक्त बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि मसाला पैन में चिपके ना। यहाँ पे सभी मसाले को भूनते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो गया है और देखिए यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, मसाले में से तेल भी सेपरेट हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच के बराबर पानी। यहाँ पे हमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको ग्रेवी वाला चाहिए तो इसमें आप अपने जरूरत के अनुसार पानी डालकर अच्छी तरह से मिला लें और मिला लेने के बाद इसमें एक एक करके अंडे के सारे पीसेस को रखना है। इस वक्त गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। लो फ्लेम पे सारे अंडे के पीसेस को मसाले में रख लेंगे और रखने के बाद इसे हल्के हाथों से मिला लेंगे ताकि अंडे के अंदर मसाले का फ्लेवर आ जाए। और मिला लेने के बाद इसे ढककर लो फ्लेम पे 1 मिनट तक पकाना है। 1 मिनट हो जाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और यहाँ पर देखिए सुपर टेस्टी एक फ्राई मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो इसमें बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, धनिया पत्ता ऑप्शनल है। और यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया एक फ्राई मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से एक बार एक फ्राई मसाला बनाकर जरूर ट्राई करें। इसे आप रोटी चावल पूरी के साथ सर्व करेंगे तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो एक बार इसे बनाकर ट्राई करें। और आज की मेरी ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।